आओ सुने अच्छी बातें। दूसरों को बदलने का अथक परिश्रम करने से बेहतर है खुद को बदलने का कड़ा अभ्यास करना, क्योंकि यहां गुरु भी आप हैं और शिष्य भी आप हैं। दूसरों को बदलना संसार का सबसे कठिन कार्य है और सबसे सहज कार्य है स्वयं को बदलना। इसलिए परमात्मा भी केवल स्व परिवर्तन का ही विश्व परिवर्तन का आधार मानते हैं। ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की भांति भेजा है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी है। घर के दरवाजा पर घोड़े के नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है, ताकि आप ना कभी रुके, ना कभी थके, ना झुके। कुसंस्कारों से उड़ान बड़ी चीज होती है। रोज उड़ो और शाम को नीचे आ जाओ साहेब, क्योंकि आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। गुरूर मत करना, जो आज तेरे पास है वो कल दूर भी हो सकता है, और जिसको तू पत्थर समझता है वो कहनूर भी हो सकता है। समझो कि जानो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्योंकि बिना परिचय का किसी का पत्र उस ठिकाना पर नहीं पहुंचता है, और ईश्वर निरंतर हमारे लिए हमारी परिचय का पत्र, सम्मान का पत्र भेजता है। तो सही ठिकाना खुद अपनी परिचय से दे। जब अपने से ज्यादा किसी पर भरोसा हो जाता है, बस यहीं से इंसान के साथ धोखा शुरू हो जाता है। यदि आप नकारात्मक नजरिए से अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको सिर्फ निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देगा। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आपको हर तरफ आशा, खुशियां और संतोष ही नजर आएगा। जब यह आप पर निर्भर करता है आप किस तरह से देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चश्मा का ग्लास होता है, हरा तो हरा, काला तो काला, सफेद तो सफेद, आप कौन सा चश्मा पहनना चाहेंगे? जीवन में परेशानियां चाय के कप में मलाई की तरह हैं, और फस सफल लोग वही होते हैं जिन्हें फूंक मारकर मलाई को हटाकर चाय पीना आता है। बोह लेने दो नैनों से अंसुओं को, बह लेने दो, कुछ और नहीं अरदास है ये, कान्हा जी ने हमको वो बख्शा है जो इसके ही धन मेरे पास है। आसान तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। त्याग करें, भाग्य पाएं, खुश रहें, आगे बढ़े। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में भी ताकत की दवा देते हैं। जीवन में दुखद बात यह है कि हम बड़े थे बड़े और जल्दी हो जाते हैं, लेकिन समझदार देर से होते हैं। खुशी केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो कि दूसरों को खुश करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, ये स्वयं परमात्मा का महावाक्य है। और समर्पित होकर देखें, अपने जीवन खुशियों से भर जाएगा। परिस्थिति बदलना जब नामुमकिन है तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो बदलने की अहमियत अपने जज्बातों में भरें।
अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छे स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपके साथ देगा। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जो कोई भी किसी काम में निष्क्रियता और निष्क्रियता में काम देखता है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसका नजरिया सही है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए विचारों, व्यवहार, बुद्धि की स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि में किसी की पुरानी बातें बीती भरी होगी, तो वाइब्रेशन एनर्जी अच्छी नहीं होगी। और जब एनर्जी गलत है, तो सही कार्य कैसे होगा? इसलिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए, सफलता मूर्त बनिए। बीती सो बीती, उसको भुलाकर स्वच्छ पवित्र मन बुद्धि को रखें। कौन कहता है खुदा आपकी तस्वीर बात नहीं करती? हर सवाल का जवाब देती है, बस आवाज नहीं करती। आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं, अतः केवल ईश्वर को राजी करने की मेहनत करो तो सारी दुनिया राजी हो जाएगी। क्योंकि जब वो राजी होती हैं, तो सारी दुनिया सब राजी हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।